भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महदीपुर में 2 अक्टूबर को हुई एक युवक की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में सुबालक चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक परशुराम सिंह के परिजनों ने सुबालक चौधरी और बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी जांच साथ ही एफएसएल टीम की मदद से घटना की तह तक पहुंची। जांच में यह सामने आया कि परशुराम सिंह को बहला फुसलाकर बिजली के पोल से लोहे का सामान चोरी करने के लिए ले जाया गया था। चोरी के दौरान परशुराम सिंह पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि सुबालक चौधरी की लापरवाही और सरकारी सामान की चोरी कराने के दौरान यह दुर्घटना हुई है, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं घटना में शामिल बबलू यादव की भी जल्द गिरफ्तारी की बात एसपी ने कही। 2/10/24 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत मोहिदीपुर रहने वाले यदुनंदन प्रसाद उम्र 35 वर्ष, उनको मृत हो गई है। इस संबंधित मृतक का परिजन के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन पे सुबालक चौधरी एवं बबलू यादव उनके द्वारा यदुनंदन प्रसाद को हत्या कर दिया गया है। इसी आरोप संबंधित जगदीशपुर थाना अंतर्गत 210/24 एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान क्रम में यह बात स्पष्ट आ गया कि सुबालक चौधरी बुरी नीयत से अवैध कार्य करने के लिए सरकारी सामान चोरी करने के लिए यदुनंदन को जबरदस्ती फोन करके बुला के खतरनाक काम करवाया। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक पोल से यदुनंदन गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। इसमें दूसरी अभियुक्त प्राथमिक अभियुक्त बबलू, उन्होंने अभी फिरार चल रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कोऑपरेशन नहीं मिलने के बाद इसमें विधिवत उनके विरोध भी वारंट निकलेगा। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां राघोपुर बाहतरा उच्च विद्यालय के समीप एक पोखर में गुलशन कुमार नामक एक नवयुवक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल यह घटना तब हुई जब पुलिस द्वारा गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक टोटो को रोका गया। टोटो पर सवार गुलशन कुमार, जो भागलपुर से काम कर लौट रहा था, पुलिस को देखकर भागने लगा और उसने पास के पोखर में छलांग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने पीछा नहीं किया और युवक डूब गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन आए दिन हेलमेट और अन्य वाहनों से पैसे वसूलता है और गुलशन इससे बचने के लिए भागा था। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद अंचलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव की तलाश शुरू कर दी। घटना को लेकर खरीक थाना अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है और शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे भाग गया, पानी में कूद गया, यदि बच्चा पानी में कूदा तो प्रशासन क्या होना चाहिए कि बच्चा डूब रहा है, हम भी उसको चिल्लाएंगे, यदि नहीं हम डूबेंगे तो हम चिल्लाएंगे भाई भैया दौड़ो, डूब गया है। प्रशासन क्या गाड़ी लेके भागेगा गाड़ी लेकर के दो बार चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, दो बार बोला बचाओ, पानी में बच्चा चला गया है। अभी तक ठीक है, आम जनता घास ले जाती है, हेलमेट लाइसेंस खोजा जबरदस्ती दबंगी करते पैसा खाने की, ठीक है ये, मगर प्रत्येक दिन आप क्राइम होता है 9 बजे के बाद, अब 9 बजे के बाद गाड़ी लगाइए, आप 6 बजे से लेके 11 बजे रात तक यहाँ क्यों रहते हैं, उसका हर चीज नाकामी है। इसको आज मर गया एक बच्चा, उसका परिवार का कौन भरण पोषण करेगा? क्या क्या कैसे हुआ ये घटना? ये लोग कमा के भागलपुर से आ रहा था। किससे आ रहा था, किस चीज? टोटो से। ये टोटो वाला का रोका, विकलांग था, उसको भी एक लाठी मारा, उसके डर से ही भाग गया, उसको मारा, ये पीछे में बैठा था, वो भागा तो पुलिस रगड़ते हुए गया, जब वो डूबने लगा तो बोला दो बार कि बचाओ, ये लोग अपना भाग गया, जान बचा के उसको नहीं बचाया। क्या परिचय हुआ, नाम आपका? मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, इसी पंचायत के। हाँ, असन से डरेगा क्यों, अभी तुम काहे डरेगा ये बताओ? डरेंगे नहीं, जबरदस्ती आप जाते हैं,
हटिया जाते हैं तो क्या करें, जूता और हेलमेट पहन के जाएं? बताइए, आप ही बताइए, हेलमेट और जूता पहन के जाएं? काम करके आइएगा, क्या क्या दारू पी के उधर और ऐसे काम करके क्या आते हैं? काम करके आएंगे क्या दारू पी के आते हैं? वो दो बार जेल जा चुका था, इसी डर के मारे वो भाग गया। काहे जेल जा चुका, काहे जेल जा चुका? वो वही दारू पीने में जेल गया था, उसी डर के मारे भाग गया था, और कोई बात नहीं। तो पिए हुए था? ये तो पता नहीं, पिया ने शाम को, शाम को टाइम आया 8-9 बजे के बाद पीता है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? आ रहा था बाकी चौक पे, पुलिस था, इसके देख करके इसने डंडा ऐसे बस किनारे में आया करके छलांग मार दिया। किससे था वो? किससे था? टोटो से आ रहा था वो, खड़ी थाना का था। टोटो से तो वो लोग भी भाग गया कि सिर्फ यही भागा? टोटो वाले को जो मारा नहीं, टोटो वाले को लग रहा था उसको एक डंडा दिया, उधर भाग गया। दो युवक जो है, एक इधर भाग गया, एक उस तरफ भागा। भागलपुर में आज एक और बच्चे की जान निजी डॉक्टर की लापरवाही के कारण चली गई। ताजा मामला शहर के कंपनी बाग का है, जहां रंजीत मंडल का बेटा बुखार से पीड़ित था। बीमार पड़ने के बाद रंजीत मंडल अपने बेटे को कंपनी बाग स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गया, जिसने बच्चे को डॉक्टर कामरान के पास रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टर कामरान के यहाँ बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। रंजीत मंडल ने बताया कि उसका बेटा पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। पहले झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को 2 सुई लगाई और फिर डॉक्टर कामरान के पास भेज दिया। डॉक्टर कामरान ने इलाज के दौरान स्लाइन चढ़ाई और पैसे भी लिए, लेकिन बाद में बच्चे को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। भागलपुर में लगातार निजी क्लिनिकों में इलाज के दौरान मरीजों की मौत की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामलों की जांच नहीं कर रहा है। अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिर ऐसी लापरवाही पर कब कार्रवाई होगी? पानी चढ़ा लिया वहाँ से के लिए कालकमन के लिए चले जाइए बचावला डॉक्टर कन कमरान के लिए 1.5 घंटा की जुम्मे नहीं देखल के दो रात देखते रहे, लेकिन हमारा बच्चा नहीं देखल कमरान के यहाँ। कमरान के यहाँ? अच्छा, तो वो कहा ठीक की होले वहाँ से सीधा डायरेक्ट माया आगे रेफर कर दिल के लिए दवाइयो दे दो, पेटों में दर्द छे, बच्चों बोली रहे छे पेटों में दर्द छे, दवाई कम से कम दे दो, तब कीजिए माया गन अपना नहीं रखबो नहीं है, लेकिन वो नहीं कीजिए कल के सीधा निकलिए जाइए माया गन जल्दी जाइए यहाँ आइए जाइए खत्म होता खत्म हो अपनों गाड़ी छे। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी, SP कोठी, तिलका मांझी, भागलपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 1 बुद्धूचक में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई है, जहां घर के पीछे खेल रही लगभग 2 वर्षीय बच्ची की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक प्रियंका कुमारी पंकज मंडल की पुत्री बताई जा रही है, जो खेलते समय बाढ़ के पानी में गिर गई और बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर तक उसे नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। स्थानीय लोगों ने भी तलाश की, लेकिन जब एक बच्चे का शव पानी की धार में बहता हुआ दिखाई दिया तो स्थानीय लोगों ने तैरकर उसे पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद प्रियंका को तत्काल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया और इलाके का माहौल गमगीन हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 और नाथनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो घर में थे नहीं, हम जा रहे थे काम करने भागलपुर, घर से कॉल आया कि नूनू हेरा गया घरिया,
तो जैसे मैंने से आधे रास्ते से उतर के टेम्पो से घर आए, घर आए तो सेक्टर चारों तरफ खोजे, वहाँ से डोड़ी भी गए वहाँ भी खोजे, फिर गांव का आदमी सब भी पानी में खोज रहा था। तो पानी में खोजते खोजते तो इन्हीं को मेरा चाचा को मिला, बगल के चाचा लगते इन्हीं को मिला। तो निकाला फिर वहाँ से फिर गए नाथ नगर डॉक्टर के पास, वहाँ बोला कि सीरियस है तो हमसे नहीं होगा तो भेज दिए मायागंज। तो मायागंज गए, वहाँ तो गए तो वहाँ चेक उक किया, बोला कि नहीं डेट हो गया, बोला घर ले गया। फिर घर ले गया तो कौन सा पानी मिल गया था? वो बाढ़ का पानी आया है ना, उसी का पानी मिल गया। घर का बगल में है, जस्ट ये घर है, घर के बगल में पानी है। कितना फीट पानी है? पानी जैसे इतना है यहाँ अभी, 3-4 फीट है। हाँ कमर दिखाएगा, 4 फीट 4-4 फीट पानी जी जी। कितना उम्र था बच्चा? उम्र वही 2 से 2.5 साल तक का था। उम्र नाम था प्रियंका कुमारी। पिताजी का नाम? पंकज मंडल। कहाँ के रहने वाले? बुद्धू चक, कौन थाना पड़ता? नाथ नगर थाना पड़ता, वार्ड नंबर 1 बुद्धू चक जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार। कौन थी बच्ची? बच्ची मेरे बहन लगती थी।